मतलब परेशान कर दिया वहां पर। तो जब लोगों को ससुराल दिखने लग गई, एक दूसरे को गले में भेजते हैं, तू घंटी बाल दे, तू घंटी बाल दे, तू घंटी बाल दे, क्योंकि जो घंटी बाँधेगा वो करेगा, पहले सुबह शाम पूजा होगी और एक ही टाइम खाएगा खाना, वैश्य का जो नियम चलता है। कहने के लिए नहीं होती कि यार ये मेरी व्यक्तिगत की वैसी है और मेरे गांव के लिए, नहीं, वो सबके लिए होती है, पूरे गांव के लिए होती है। उत्तराखंड घूम लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घूम लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, हम पहाड़ी नीचू। हर हर महादेव, जय बिरकारा बजरंगी, आप सब पर महादेव की कृपा हमेशा बना रहे, जय उत्तराखंड देवभूमि। तो पहले मैं कर देता हूँ दोस्तों, आप सबका अपने चैनल में स्वागत, आप सबके आपके अपने चैनल में स्वागत है हिमचू पहाड़ी चैनल में, और ये आपका अपना चैनल है, इसे लाइक कराएं, सब्सक्राइब करें और जहाँ जहाँ तक हो सके भेजें। और यदि कहानी स्टार्ट करने से पहले यदि आपके गाँव में भी कोई ऐसी सत्य घटना, आज भी कुछ ऐसी घटनाएं वगैरह होती हैं जो लगे कि यार वाकई में देवी देवताओं की कहानी है, जो लोगों को बधाई जाए और शेयर करें के माध्यम से मैं आप लोगों को जो कहानियां आती हैं मैं वो सभी लोगों को सुनाता हूं, तो मुझे आप लोगों की जो कहानियां मिलती हैं मैं वो सबके सामने शेयर करता हूं। तो दोस्तों मैं आज की जो कहानी लेकर आ रहा हूं, ये ऐसी एक कहानी है रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है। तो सीधा मैं इधर उधर की बातें टाइम वेस्ट नहीं करके सीधा कहानी पर चले जाते हैं, क्योंकि मैं इसमें सारे नाम काल्पनिक किरदार वगैरह रहेंगे, और जो ये घटना हुई है मुझे जो मेरे पास आई है कहानी, ये मेरे मित्र ने दी है और काफ़ी लंबे टाइम से मेरे चैनल को फॉलो कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे ये कहानी दी है अपने माध्यम से। मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनकी कहानी सुन के, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ साझा करा जाए। और उन्होंने कहा राजू इसमें गाँव का नाम भी लुप्त कर देना हमारे, क्योंकि गाँव का नाम लुप्त हो जाएगा तो और सारी चीज़ें इसमें लुप्त कर देना, तो इसलिए मैं गाँव का नाम इसमें लुप्त रखूँगा और बाकी जो किरदार वगैरह रहेंगे वो भी काल्पनिक रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो कहानी है ये अल्मोड़ा शहर की कहानी है, अल्मोड़ा में एक गाँव है, तो ये गाँव की कहानी है, तो मैं सीधा गाँव पर नहीं जा रहा हूँ, मैं अल्मोड़ा तक सीमित रखूँगा। तो उस गाँव में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम है राधा, है राधा उसका नाम रख देते हैं, और जो उसकी मदर का नाम है, मम्मी का नाम, उसका नाम हम मधुरी रख देते हैं, और पिता का नाम रख देते हैं जगमोहन सिंह, तीन नाम किरदारी दोगे। ठीक है, अब क्या हुआ, ये गांव की बात हुई, गांव की बात हुई तो काफ़ी लोग वहां पर गांव में अपना करते थे, सारा प्रेम भाव वगैरह रहता ही है, और हमारे पहाड़ में या जो हमारी जो पहाड़ की लड़कियां होती हैं या जो भी, तो उनका मतलब व्यवहार इस टाइप से नाजुक होता है कि मैं क्या बताऊं दोस्तों। दरअसल एक ककड़ी की बेल होती है ना, ककड़ी की बेल, तो ककड़ी की बेल जब होती है या हमारे गधवे की बेल जब होती है, किसी की बेल भी होती है, तो अगर बगल में कांटे का पेड़ भी होगा ना, तो कांटे के पेड़ को अगर देखती है तो बेल हमारी उसी में चढ़ जाती है, वो बेल को पता नहीं रहता कि मैं कहाँ चढ़ रही हूँ, क्या चढ़ रही हूँ, इसका परिणाम क्या होगा। जब बाद में जब उस पेड़ में फल लगते हैं तो वो फल कांटों से जब चिपड़ते हैं तो उस पेड़ में कभी फल नहीं हो पाते हैं, तो बाद में वो रोती है लगूली। तो वैसी जो हमारी पहाड़ की लड़कियाँ होती हैं वो इतनी मासूम होती हैं, इतनी भोली होती हैं कि कोई उनको थोड़ा बहुत लालच या कुछ भी लालसा वगैरह दे दे तो वो उस और को झुलकती चली जाती है, वो परिणाम नहीं सोचती कि बात का परिणाम क्या होगा, क्योंकि ये तो सदियों से चला आ रहा है ना, ये तेरा रहा ना मेरा रहा, ये वक्त किसी का नहीं रहा, अगर आज ये तुम्हारा है तो कल को ये किसी और का होगा। आज इस युग में जिसने अपनी मम्मी पापा का कहना मान लिया तो उसके बच्चे भी उसका कहना मानते हैं, उसके बच्चे भी मानेंगे, उसके बच्चे भी मानेंगे कहना, तो ऐसा चलता है। तो दरअसल इनका कुछ भगवान जाने कुछ प्रेम प्रसंग हुआ होगा, कुछ भी ऐसा होगा, तो घर वालों ने समझाया समझाया, समझाने के बाद ये मतलब नहीं मानी, तो नहीं मानने के बाद क्या हुआ, जो भी लड़की ने जो भी रहा होगा इस कहानी पे, तो उसने अपने मतलब हत्या कर ली कुछ ऐसी टाइप से, भगवान जाने क्या सत्य है, मेरे को इतना मेरे को बात नहीं लेके आ रहा हूँ कि किस तरीके से क्या कारण से इनने आत्महत्या कर ली लड़की ने। जब ये सारी चीज़ें करी तो बात को भी दबा दिया। 2018-19 की बात है, ज़्यादा पुरानी भी बात नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है,
जब ये लड़की मर जाती है तो अब गांव बदनामी की वजह से और रहन सहन की वजह से सब चीज़ करने की वजह से लोग क्या करते हैं, बात दबा देते हैं। उन्होंने कहा यार ये हमारी कुल की बात है, कैसे दबाएं क्या दबाएं। उन्होंने कहा चलो बाहर किसको क्या बताना है, क्या बताना इष्ट मित्र में, इन्हें बात करके उन्हें पुलिस केस हो जाएगा, ये करो सारी चीज़ें, इन्होंने बात को दबा दिया। जब बात को ये बातें जब दब जाती हैं हमारे वहाँ पर तो क्या होता है, उसके 3 महीने बाद लड़की की वहाँ क्या आ जाती है, आत्मा आ जाती है, भूतके में आ जाती है लड़की। जो लड़की भूतके आती है वहाँ पर भाई साहब उसने रातों रात छत हिला दी लोगों के, गड़गड़ 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 गड़गड़। रात में लोग सोते थे तो उनके छत हिलने लग जाते थे। जो मधुली थी और जो जयमोहन जी थे वो साक्षात देखने लग गए थे अपनी लड़की को। पहले तो इसने वहाँ पूरा घर हिलाया, पूरा ये करा, तो ये नहीं माने। उसके बाद क्या हुआ, अब इनने अपने घर के देवतों को बुलाया, फिर वो करा और देवतों के घर से इनने अपना घर सुरक्षित कर दिया। अब अपना घर तो सुरक्षित कर दिया, लेकिन वो लड़की इतनी भाई साहब जब कहते हैं ना विकराल चलती है, आधी तूफान चलता है, तो वो किसी को नहीं देखता। उसने क्या करा, वो गांव के लोगों को दिखने लग गए, सर सुरान दिखने लग गए पूरे गांव के लोगों को, इधर को आते हुए उधर को जाते हुए ये करते हुए लोगों को काफ़ी मतलब परेशान कर दिया वहाँ पर। तो जब लोगों को सरसरान दिखने लग गई तो एक बार क्या हुआ, एक बच्चा स्कूल से आ रहा था एक बालक, तो बालक ने राधा को देख लिया, तो राधा ने उसको बुलाया, इधर को आ। तो वो बच्चा तो जानता था कि दीदी मर गई करके, तो वो नहीं गया उसके पास, नहीं गया। तो अब वो अपने घर में गया बच्चा, अब वो अपने घर में गया तो उसने अपने पिताजी और को बताया, पिताजी मैंने अभी अभी राधा दी को देखा और वो मेरे को बुला रही थी। अब वो अघोर में थे, जहाँ वो उनके घर में था, नाता घोर खा था। तो नाटक में होने के बाद भी उसके पिताजी के मुंह से एक नड़कताव छूटी, बोलते ना हमारे पहाड़ों में नड़कताव छूटती है, उन्होंने हार्ट टकर के नड़कताव छूटी, तो उसके बाद वो अघोर में थे। तो बोला जाता है उसके दूसरे दिन वो बच्चा भी मर गया, एक छोटा बच्चा दोस्तों, वो बच्चे को भी ले गई अपने साथ में। तो उसके घर वालों ने काफ़ी रोए, दोष करे, सब कुछ करे, तो उसका आतंक इतना हो गया था गांव में वहाँ पर कि लोगों के मन में उसका भय बैठ गया था, भय और खौफ हो गया था, इतना खौफ हो गया था। फिर क्या हुआ, वहाँ के सारे गांव वाले लोग एकत्र, क्योंकि हमारे गांव में जो कुछ भी होता है तो गांव के पहले लोग, जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, एक पंचायत टाइप की बैठते गाँव में, तो पंचायत बैठी, तो गांव में सारे पंचायत वगैरह बैठी। पंचायत वगैरह बैठने के बाद नगर ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं गांव में और ये काफ़ी शर्मनाक चीज़ है, आज हमारे देवते वगैरह हमारे हो गए हैं, हरा गए, क्या ये ऐसी सारी चीज़ें, अब ये भूत पिशाच गांव में आ रहे हैं, सारी चीज़ें बताओ। तो जब हमारे गाँव में ये सारी चीज़ें होती हैं जिस टाइम पर, तो उस टाइम पर गाँव के लोग फैसला करते हैं। तो सारे गाँव के लोगों में फैसला हुआ, फैसला होने के बाद उन्होंने कहा यार अब एक काम करते हैं, गाँव में बैशी कर देते हैं। फिर दरअसल मेरे एक सब्सक्राइबर का जवाब भी आ रहा था कि गुरुजी बैशी किसे कहते हैं, मैं आज इसमें बता दूंगा बैशी कैसे होती क्या होती करके, इसमें नियम भी बता दूंगा कैसे होता ये भी बता दूंगा। तो उन्होंने कहा बैशी करते हैं। अब बैशी करने को तो सब ठीक हो गया, उन्होंने बैशी करेंगे, लेकिन बैशी में 23 दिन तक कौन तपस्या करे। उन्होंने कहा यार तू करेगा। और आज के टाइम की बात हुई 2019 के टाइम पर, उन्होंने कहा यार मेरे पास तो ये टाइम आ रहा, मेरा तो ये हो रहा, मेरा तो ऐसा हो रहा, मेरे किसी बोलते ना बहाने जब कहते गले, जब घंटी बाधी जाती है घंटी के लिए, जब कहते ना घंटी किस गले के बाद किसके गले बाधे, तो एक दूसरे को गले में भेजते हैं यार तू घंटी बाँध ले, क्योंकि जो घंटी बाँधेगा वो करेगा पहले। तो ऐसे करते करते क्या हुआ, घंटी को घुमाने लग गए सब लोग। तो ऐसे करते 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 जब घंटी बहुत देर तक घूमते रही तो कोई नहीं माने। अब वहाँ के जो मुखिया जो बनाए थे वहाँ पर, आप कहते थे फंस जाता है जब आदमी, जो मुखिया बनाया है तो वो फंस जाता है बातों में।
तो उनका नाम था बच्ची सिंह। तो सारी चीज़ों में जब अब बच्ची सिंह सुनने का यार गुरुजी जब इतना सारी चीज़ का आप फैसला दे रहे हो, सब चीज़ का फैसला दे रहे हो, तो आप वैसी में नियम आपका लेना गुरुजी, आप बन जाना इस बार पुजारी, और ये है सारे नियम आपका लेना, और हम सब लोग सारे मेहनत करेंगे, ये करेंगे, सब ने टाले। तो अब बच्ची सिंह के लिए करता क्या नहीं करता, उनके लिए क्या हो गया, धर्म संकट हो गया। तो उनने कहा यार चलो ठीक है, फिर आप लोग कहते हो तो मैं कर देता। अब उनकी उनने कितना प्रयास भी करा, उनने कहा मेरी एज इस लायक की नहीं है जो मैं नियम धर्म कर सकूं, क्योंकि उनकी एज हो गई थी 72 के आसपास, 72-73 के आसपास। तो उनने कहा मैं कहाँ से करूँगा, उनने कहा नहीं नहीं आप सब कर लोगे, आपको अनुभव भी हुआ, फिर हम बच्चों को अनुभव, इसका अनुभव भी नहीं हुआ, हम तो बच्चे हुए आज के टाइम में, हम कैसे कर दें क्या कर दें, हमें इस चीज़ का नॉलेज भी नहीं है, आज तुम सिखा दो फिर बाद में हम करेंगे। अब फंस गया बेचारा, क्या नहीं करता यारा। तो उनने कहा सब ने करा षड्यंत्र, और बच्ची सिंह के गले में सब ने घंटी बांध दी। होई जी बैसी लगी। फिर अब बैसी में क्या होता है, जब भी हम कोई कार्य करते हैं, जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, तो सबसे पहले वहाँ पर सुझाया जाता है, जैसे हम कोई शादी करेंगे तो टिपड़ा जुड़ाया जाता है, तो वैसे ही जब वैसी करते हैं तो पुजारी जो वहाँ का जो पुजारी होगा, तो पहले उसको उसका टिपड़ा देखेंगे कि इसके ग्रह सही हैं, ये संतुलित में रहेगा, इसका माइंड कोई ग्रह दोष तो नहीं आ रहा है, कोई विविधता तो नहीं आ रही है, ये सारे टिपड़े जुड़ाए जाते हैं उस पर। तो सारे जब टिपड़े सटीक बैठते हैं तब पुजारी को नियुक्त करते हैं कि यार ये पुजारी लायक सही, क्योंकि वैसी के नियम में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। और उतने दिन तक जो नियम करेगा वो दो टाइम नहाएगा और बाजी जगह एक टाइम खाएगा, ठीक है, और दोनों टाइम पूजा होगी, सुबह शाम पूजा होगी, और एक ही टाइम खाएगा खाना, वैसी का जो नियम चलता है। और वो पुजारी जो होगा और चाहे कुछ भी करे, लेकिन जो पुजारी जिसके हाथ से पूजा होगी वैसी की, जो धोनी पवित्र होगी, जो गुरु और हनुमान जी की धोनी बोलते हैं वो पवित्र होगी, तो वो धोनी में कोई भी नाच नहीं सकता है, झगड़ा कोई भूत पिचास आके कोई नाच नहीं सकता है। तो उसके बाद क्या होता है, जब ये सारे नियम करते हैं, नियम करने के बाद सारे नियम वगैरह करें ने गाँव में, नियम वगैरह करने के पूरे वैसी पूरे नित्य क्रम से अपना चलते रही, प्रतिदिन जागर लगी, जागर लगने के बाद दूसरे दिन वो हुआ, नियम चलते रहे ऐसी वैसी के। जब वैसी के नियम चलते रहे तो बोला जाता है 21वीं रात को जब पूरे देवता जब नाचते हैं और जब विधाई समारोह वगैरह जब चलता है, तो देवतों ने क्या करा, पूरे गांव को किला करते हैं, किला मंत्रित करते हैं ना जब पूरे गांव को, तो जब देवते जाते हैं, जब देवते अपने पूरे जो, क्योंकि दरअसल ये एक का नहीं होता, व्यक्तिगत किसी का, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति के घर के भूत का निष्कारण नहीं होता है वैसी में, इसमें क्या होता है ये पूरे गाँव की वैसी होती है, और गाँव के जो मुख्य मुख्य डंगरिया होते हैं वो नाचते हैं वैसी में, तो वो पूरे गाँव की भलाई के लिए होती है वैसी, एक कहने के लिए नहीं होती कि यार ये मेरी व्यक्तिगत की वैसी है और मेरे गांव के लिए, नहीं वो सब के लिए होती, पूरे गांव के लिए होती है। तो उसमें जो गांव के मुख्य डंगरिया होंगे वो नाचेंगे, और नाचने के बाद क्या होता है, वो गांव को किला मंत्रित करते हैं, जैसे कील होती है, जिस कील होती है कील चारों दिशाओं में घेर देते हैं, एक दिशा दो दिशा उत्तर पश्चिम दक्षिण, तो उन दिशाओं से कोई भी प्रेत भूत आत्मा जो भी होगा वो अंदर नहीं आ सकती है मामू की बेसी को काट के। तो ये गुरु गोरखनाथ जी की धोनी के जो मंत्र के लिए करे जाते हैं, तो ये ऐसे वैसी में नियम चलते हैं। तो उसके बाद से जब वो किला मंत्रित हुआ और वैसी खत्म हुई, तो फिर वो जो लड़की जो भूतनी थी वहाँ पर, उसका प्रकोप खत्म हो गया, वहाँ दिखना वाला सब बंद हो गया, क्योंकि अब जहाँ और बाकी जब उनके घर में यात्रा लगी होगी तो उसका फैसला फिर घर में, भूत का फैसला घर में होता है व्यक्तिगत, तो उनके घर में ये फैसला हुआ होगा। तो दोस्तों ये कहानी मेरे को अभी के माध्यम से आई है, 2019 की कहानी है, और इसमें कुछ भी असत्य नहीं है, सारी सत्य घटना है। और किसी भाई को अगर इस बारे में कुछ जानकारी लेनी है तो आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं, मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके, और मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करना, क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत जल्दी अधिक आपकी मतलब रिक्वेस्ट जल्दी सेंड कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम लिंक फिर इसके नीचे है मेरा, आप यहाँ जाके मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए और वहाँ पर मैं आपसे बातें कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी, और कहानी जिस किसी भाई को अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना दोस्तों, ठीक है। और आपके पास भी यदि कोई ऐसी कहानी है जो लगे कि यार हाँ हमें उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए एक कदम हेम भाई का साथ देना चाहिए, तो आप मुझे फॉलो करके मेरे साथ आ सकते हैं दोस्तों, ऐसी सत्य घटनाएँ देने के लिए।